अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटे से फार्मूले के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सेल शीट में या गूगल शीट में फार्मूला कैसे लगता है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो इस पर बनाऊंगा। सिंपल सा फार्मूला है कि एक टैब में से आप दूसरे टैब में जो फार्मूले से डाटा कैसे ला सकते हैं एक ही शीट के अंदर। ये पूरी शीट है ना आपके पास, ठीक है, इसके अंदर ये टैब्स होते हैं। ये शीट वन जिसे कह रहे हैं, शीट टू, इसको हम टैब बुलाते हैं कि एक टैब या दूसरा टैब, यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या जितने ऐड कर लें, ये हमारे पास इतने सारे टैब्स आ गए, ठीक है ना। तो एक शीट में से दूसरी शीट में यहीं विद इन अ वन बिग शीट हम कैसे उसको डाटा को जो है दूसरी साइड पर ले जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला ये देखें, मैंने ऑनर नेम के नीचे दो नंबर जो इसकी रो है या ए टू है, जो हमारा सेल नंबर ए टू, ये सेल नंबर है, ये हमारा सेल नंबर है बी थ्री, ठीक है। यहाँ इस पर आ जाएँ तो ये है ई एटीन। सो हमने यहाँ पर जो डाटा जो है उसको लाना है ऑनर नेम्स वाले को। यहाँ हम ये मुसावी लगाएँगे, देन ये लगाने के बाद सीधा उस शीट में जाएंगे जहाँ से हमने डाटा अपना उठाना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, यहाँ का मैंने इंटर कर दिया। अब ये मेरे पास कौन सा डाटा आया, तीन नंबर वाला ए बी सी एच आई डोनाडो, ठीक है, ए बी सी एच आई डोनाडो। अब मैं इसका कांस्टेंट नीचे जाना चाह रहा हूँ कि मुझे ये सारा डाटा जो उसके नीचे जितना भी है, मुझे आप मिसाल करें कि यहाँ से 28 तक चाहिए, देन मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा 27 तक ले जाऊँगा। अब ये उसके आगे कौन सा था, अबू तालिब इब्राहिम इब्राहिम, ये देखें अबू तालिब इब्राहिम इब्राहिम, ठीक है, ये इब्राहिम विनोद, ये इसी तरह से आपके सामने सारा डाटा आ गया, ठीक है। मुझे एक तरह से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो ईज़िली जो है डाटा मैं वहाँ से यहाँ ले आया हूँ। और मैं अगर किसी और चीज़ का यहाँ डाटा लाना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए यहाँ ये मैंने लगाया मुसावी, ये मैंने जो सेकंड नंबर है उसको एंटर, ऑनर एड्रेस ये देखें, यहाँ तक उनका ऑनर एड्रेस निकल आया, डाटा उधर से इधर कॉपी हो गया हमारे फार्मूला के साथ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसका फार्मूला, अगर आप मैनुअल लगाना चाहें तो यहाँ पे फार्मूला आपके पास मौजूद है। यहाँ क्या लिखा है मुसावी, शीट वन, आगे एक्सक्लेमेशन है, उसके बाद बी फोर, यहाँ पे है बी फाइव, बी सिक्स, बी नाइन, जो जो ये बी थर्टीन, यहाँ आप देख रहे हैं ये 12 है, यहाँ बी 12 में हमारे पास डाटा है, लेकिन यहाँ पे बी 13 का डाटा जो हमारे पास है 1491, ये 1491, यहाँ वो फार्मूले से हमने उठाया, इसलिए यहाँ पे वही शो हो रहा है फार्मूले में, ठीक है, डाटा उधर से जो हम इधर लेके आ गए हैं। तो सिंपल इस तरह का डाटा हमने शेयर करना होता है एक फाइल से दूसरी फाइल में, हम इस फार्मूला के ज़रिए वहाँ से इधर ला सकते हैं। सिंपल सा तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा कि एक टैब में से दूसरे टैब में फार्मूला के ज़रिए हम डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।